हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आपके मोबाइल में ये सुपर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन तो होता ही होगा, लेकिन आप इसका यूज केवल आप फोटो खींचने के लिए ही करते होंगे। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको इसके चार ऐसे हिडन ट्रिक्स बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए हम आपको क्लिक करके दिखाते हैं कि इसके चार हिडन ट्रिक्स क्या है। इसके लिए हम सुपर स्क्रीनशॉट को यहाँ से टच कर लेते हैं, और टच करने के बाद फ्रेंड्स आपके मोबाइल के डिस्प्ले पे एक ऐसा बबल जैसा आ जाएगा जो आप देख सकते हैं, ऐसा बबल टाइप का आएगा। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, सब कुछ आप इजीली से समझ जाएंगे। ये जो मूव का ऑप्शन देख रहे हैं फ्रेंड्स, आप जब मूव पे टच करके इसको कहीं भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। और जो बीच में कट का निशान देख रहे हैं फ्रेंड्स, क्रॉस का निशान है, जब आप इसे क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा। और दोबारा से लाने के लिए फ्रेंड्स फिर से हम इसे सुपर स्क्रीन शॉट पर टच करेंगे तो ये बबल फिर से आ जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो ये ऊपर में जो एक ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये वाला, इससे फ्रेंड्स आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा। आप इससे फोटो अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे जो भी कर रहे होंगे वो स्क्रीन यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हैं लॉन्ग का, तो इसका मतलब वो फ्रेंड्स आपके डिस्प्ले में अगर आप कोई लॉन्ग स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसका यूज कैसे होता है हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे हम यहाँ से लॉन्ग पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे नीचे में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है नेक्स्ट पेज का। तो हम जैसे ही नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो ये एक पेज और ऊपर लेके जाएगा, और ये दोनों पेज का एक साथ स्क्रीनशॉट हो जाएगा। और यदि हम चाहेंगे कि एक पेज और उसी में सम्मिलित हो जाए तो इसे एक बार और क्लिक करेंगे तो ये तीन पेज हो जाएगा। उसके बाद जब हम सेव करेंगे फ्रेंड्स तो ये तीन पेज का एक ही स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। जैसे ये स्क्रीनशॉट है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए ये तीन पेज का एक ही में स्क्रीनशॉट आ गया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप उसे लॉन्ग स्क्रीनशॉट के लिए यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट फीचर है ये हम आपको बताते हैं। इसके लिए हम फिर से सुपर स्क्रीनशॉट पे टच करते हैं, और टच करने के बाद फिर से ये बबल जैसा आ गया। तो पहला स्क्रीन रिकॉर्ड था, और दूसरा जो लॉन्ग स्क्रीनशॉट था वो बता दिया। और जो यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है फ्रेंड्स ये है फनी का, तो आप देख सकते हैं ये फनी स्क्रीनशॉट लिखा हुआ है। तो ये क्या होता है ये भी हम आपको बताते हैं। इसके लिए यहाँ से हम इसे टच कर लेंगे, और टच करने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो नीचे में जो ऑप्शन देख रहे हैं, ये तीन ऑप्शन यहाँ पे नीचे में अलग अलग ऑप्शन आ गया। जी हाँ फ्रेंड्स, आप यहाँ से तीन अलग अलग तरीके से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो ये पहला देख रहे हैं फ्रेंड्स ये है रेक्टेंगल स्क्रीनशॉट, और आप यहां से मतलब रेक्टेंगल फुल स्क्रीन का नहीं लेकर के आप जितना हमें चाहे उतना का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए जैसे ये सामने देख रहे हैं ये वाला जो फोटो है, ये मैं पूरा डिस्प्ले का मतलब स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहता हूं, जो सिर्फ इसका दिख रहा है ये उर्फी जावेद रॉक्स का, जो मैं केवल इसी का स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूं, और बाकी डिस्प्ले का जो अदर पार्ट है उसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहता हूं। तो कैसे लेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर जो रेक्टेंगल इसको दिख रहा है हम इसको यहाँ से क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स देखिए आपके डिस्प्ले पे एक ऐसा टाइप का बन जाएगा। और आप ये देख रहे होंगे बारीकी से, आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा। और ये केवल हम इसी का स्क्रीनशॉट लेंगे और दूसरा स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, देख सकते हैं फ्रेंड्स। और इसके बाद जब हम इसे यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे तो इसका फोटो आ जाएगा। तो चलिए हम सेव पे क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स ये सेव पे क्लिक कर दिए, तो देखिए केवल इसी का फोटो आया, और बाकी जो डिस्प्ले का जो मतलब बाकी पार्ट था उसका स्क्रीनशॉट नहीं आया। इसके लिए चलिए हम आपको गूगल में जाके गैलरी में दिखाते हैं कि ये जो स्क्रीनशॉट है वो आया या नहीं आया। तो देखिए फ्रेंड्स अभी जो मैंने आपके सामने फ़ोटो लिया था, डिस्प्ले में केवल जिसका फ़ोटो लेना चाहा मैं उसी का ले पाया। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल हिडन फीचर्स है जो बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, और शायद आप जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट फीचर बताते हैं आपको, नेक्स्ट फीचर क्या है। इसके लिए हम फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे, और फिर से सुपर स्क्रीनशॉट को टच कर दिए। टच करने के बाद फिर से फनी पे क्लिक किए, और क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स ये लेसो का, तो आप देख सकते हैं ये इसमें से आप फोटो को मतलब जैसे अभी मैंने जो रेक्टेंगल में स्क्रीनशॉट लेके दिखाया इसका, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि इसको पूरे डिस्प्ले का नहीं लेना है, लेकिन इसका जो अदर पार्ट है ये भी हमको नहीं लेना है, केवल जो ये उर्फी जावेद है केवल इसी का हमको फोटो लेना और अदर का नहीं लेना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ लेसो स्क्रीनशॉट पर टच करेंगे, और टच करने के बाद फ्रेंड्स इसको हम क्या करेंगे यहाँ से टच कर देंगे। आप देख सकते हैं ऐसे जैसे जैसे घुमाएंगे, जैसे जैसे इस तरह से अगर हम इतना इजीली से चलेंगे फ्रेंड्स तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैंने जल्दी से कर दिया। और ये केवल इसका स्क्रीनशॉट हो गया, और अब हम इसको सेव कर दिए। तो इस तरह से जब आप अच्छे से करेंगे तो ये अच्छे से आ जाएगा पूरा स्क्रीनशॉट। अब चलिए स्क्रीनशॉट हम दिखाते हैं कि ये वाला आया या नहीं आया। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं जो ये स्क्रीनशॉट है इस टाइप का आ गया, और जो अदर पार्ट था वो नहीं आया। इस तरह से अगर हम जितना मतलब अच्छे से करेंगे बिल्कुल सही से आ जाएगा। तो ये भी बिल्कुल हिडन फीचर्स है। तो चलिए और जो तीसरा हिडन फीचर्स है वो भी हम आपको बताते हैं।
इसके लिए फिर से हम यहाँ पे इसके सुपर स्क्रीनशॉट पे टच करेंगे, और टच करने के बाद फिर से ये बबल जैसा आ गया। फिर इसे हम फनी पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो एक ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स डब स्क्रीनशॉट का, ये देख सकते हैं आप, इसको यहाँ से क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इसको क्लिक कर देते हैं, फिर क्या होता है फ्रेंड्स देखिए। जैसे इसमें मैंने जो भी जितना भी स्क्रीनशॉट लिया फ्रेंड्स, पहले मैंने आपको रोटेट में लेके दिखाया था, फिर मैंने डब में लेके दिखाया। अभी मैं इसको क्या करूँगा, इस पार्ट को मैं जिस जहाँ पे स्क्रीन लेना चाहता हूँ पर इसको केवल यहाँ से टच करेंगे फ्रेंड्स। जितना टच करेंगे जो जो पार्ट को ऐसे मतलब हम कलर कर देंगे, इस तरह से डब कर देंगे, उसी पार्ट का केवल स्क्रीनशॉट आएगा। इसमें क्या है, बिल्कुल आप जिस पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं उसी पार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देख सकते हैं ये मैंने पूरा डिस्प्ले पे मैंने इसको इस तरह से मैंने इसको पूरा डब कर दिया, ताकि मैंने जिसका ऐसे में जो भी जितना मतलब बिल्कुल परफेक्ट मतलब आप जैसे PNG निकलता है फ्रेंड्स, वैसे आप PNG टाइप का फोटो ऐसे निकाल सकते हैं। तो चलिए इस तरह से मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, और अब मैं इसको आपको सेव करके दिखा देता हूँ, ये भी आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अगर आपको एक्स्ट्रा पार्ट हो जाता है तो आप यहाँ से अंडो पे क्लिक करके इसे बैक भी कर सकते हैं, और रेडो पे क्लिक करके फिर से उसे सेम जैसा ले जा सकते हैं। और फिर से जब आप क्लिक करेंगे और फिर से जब आप इसे क्लिक कर देंगे, जैसे आप चाहेंगे इसको बारीकी से जब आप इसे करेंगे, तो आप जैसा फ़ोटो लेना चाहे वैसा ले सकते हैं, या फिर जिस पार्ट का लेना चाहे उसी पार्ट को केवल ऐसे यहाँ से डब करेंगे और उसी का स्क्रीनशॉट आएगा। तो चलिए अब हम आपको सेव करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये फ़ोटो जो है सेव हो गया, और अब हम गैलरी में ले जाकर दिखाते हैं आपको ये फ़ोटो कैसा दिखता है। तो इसके लिए हम यहाँ से क्लिक करेंगे, तो फ्रेंड्स देख लीजिए ये कैसा हुआ। तो फ्रेंड्स एक ही सुपर स्क्रीनशॉट के 4 अलग अलग हिडन फीचर्स थे जो मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स ये जो सेटिंग था मैंने आपको माइक्रोमैक्स इन नॉट 1 के मोबाइल से बताया, और उसमें ये हिडन फीचर्स दिया है। शायद और कोई मोबाइल में है या नहीं है ये फीचर्स, इसके बारे में हमको नहीं पता है, लेकिन जो माइक्रोमैक्स इन नॉट 1 है इस मोबाइल में ये हिडन फीचर्स बिल्कुल दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।